पति पत्नी के बीच कुछ कम कुछ ज़्यादा नोकझोंक होना लाजमी है। रोटना होता है, मनाना होता है, पर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है जिससे महीने भर से ज़्यादा समय पति पेड़ पर गुजार ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NBC हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। खबर मऊ जिले से है, जहां पत्नी से झगड़े के बाद पिछले 32 दिन से ताड़ के पेड़ पर युवक रह रहा था। आखिरकार पुलिस ने नीचे उतारा, करीब 75 घंटे मशक्कत की गई। पुलिस को ये सफलता 75 घंटे के बाद मिली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस ने 3 घंटे की घेराबंदी करते हुए नीचे बिछे जाल पर कुदाकर युवक को नीचे उतारा। उसके नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भिजवाया। कोपागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बसारतपुर के दलित बस्ती निवासी राम प्रवेश राम के ताड़ के पेड़ से ताड़े निकालने का काम है। सीजन खत्म होने पर वह मेहनत मजदूरी करने लगा। 32 दिन पहले किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ और अपने परिवार को वो छोड़कर ताड़ के पेड़ पर ही अपना आसियाना बना लिया। खाना पीना नहाना भी पेड़ पर ही करने लगा। रोजाना युवक को मनाने की कोशिश होती और पेड़ से उतारने के लिए पुरजोर कोशिश की जाती, लेकिन परिणाम नहीं निकलता था। पति के पेड़ पर रहने के चलते पत्नी को घर गृहस्थी चलाने में परेशानियों का सामना करने पड़ने लगा। इधर राम प्रवेश की इस हरकत से पूरा गांव परेशान हो उठा। ताड़ के पेड़ की ऊंचाई इतनी थी कि वहां से आसपास के घरों का आंगन भी साफ दिखाई देता था, जिससे घर में रहने वाली महिलाओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इन सब बातों से परेशान होकर पत्नी ने पुलिस से गुहार लगाई। शुक्रवार से पुलिस राम प्रवेश को ताड़ के पेड़ से नीचे उतारने में जुट गई। लाख कोशिश के बावजूद भी शनिवार शाम तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। रविवार सुबह SDM हेमंत चौधरी, क्षेत्राधिकारी घोसी उमाशंकर उत्तम और थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा भारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। 2 घंटे तक काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी राम प्रवेश ताड़ के पेड़ से नीचे नहीं उतरा। इस पर अधिकारियों ने ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वाले 4 युवकों को बुलाया। चारों युवक ताड़ के पेड़ पर चढ़े और राम प्रवेश को नीचे बिछे जाल पर धकेल दिया। जाल पर गिरते ही पुलिस ने राम प्रवेश को हिरासत में ले लिया। मेडिकल जांच के लिए CHC कोपागंज भेजा गया। इस बाबत क्षेत्राधिकारी उमाशंकर उत्तम का कहना था कि राम प्रवेश की मेडिकल परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है NBC हिंदी के साथ। अगर आपने NBC हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।